किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान चैनल। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है जैविक खेती की मेरी। किसान भाइयों, आज मेरे पास दो किसान भाई आए हैं। एक आए हैं संभाल का कुरुक्षेत्र से और एक आए हैं शुक्रताल से। अनुराग ठाकुर जी वहाँ से हैं और सुच्चा सिंह जी आए हैं संभाल का। उन्होंने मुझसे अमरूद के बारे में काफ़ी बातें की और उनको मैंने अपना फार्म घुमाया और कैसे मैं खाद प्रबंधन करता हूँ, किस प्रकार वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग है और वेस्ट डिकम्पोजर उनको दिया भी है। तो आइए मिलवाता हूँ उन दोनों से। आइए अब मिलते हैं इन किसान भाइयों से और जानते हैं इनके विचार, इनको कैसा लगा और क्या इनके विचार हैं इस पर देखने में। तो ये हैं अनुराग जी। तो अनुराग जी, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए यहाँ के बारे में। मेरा नाम अनुराग चौधरी है और मोरना शुक्रताल से आता हूँ और यूट्यूब पर ही डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और इनसे बातें की, बड़े अच्छा लगा। फिर इन्होंने मुझे अपने फार्म पे इनवाइट किया और यहाँ आके आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने, कैसे कैसे वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह बनाते हैं, कैसे कंपोस्ट बनाते हैं और किस तरह से जो है नींबू की और अमरूद की जो बागवानी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा लगा। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं सुच्चा सिंह जी और आप अपना परिचय दीजिए, दोनों एक इनके साथी हैं, आप परिचय दीजिए। राजेंद्र पाल जी। हाँ जी, तो बताइए आप क्या उद्देश्य से लेकर इस फार्म पर आए थे, मुझसे मिलने आए थे? हम हॉर्टिकल्चर का उद्देश्य लेकर आए थे जी। अच्छा, ताकि हम अमरूद की, नींबू की, इन सब की और ऑर्गेनिक खेती कर सकें। अच्छा। और हमें डॉक्टर साहब से बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है और इतनी बढ़िया जानकारी हमें कहीं से नहीं मिली है और हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का। अच्छा, जो आपने ये खाद का प्रबंधन देखा, जो मैं कंपोस्ट डालता हूँ, सफाई वफाई से निकालता हूँ, इससे क्या लगा आपको? इसमें जी बहुत अच्छा लगा जी हमारे को, मतलब इसमें सब कुछ है जी। जो हम रासायनिक खाद डालते हैं वो नहीं डालनी चाहिए हमें और हमें इसी प्रकार से तैयार करनी चाहिए अपनी खाद, ताकि एक तो इसमें खर्चा कम आएगा और एक इसमें पूरी वो है, तत्व हैं सारे। रासायनिक खाद को छोड़ो और ऑर्गेनिक अपनाओ। किसान भाइयों, बचत भी एक आमदनी होती है, मैं बार बार इस चीज़ पर देता हूँ। तो कोशिश कीजिए किसी चीज़ को व्यर्थ न जाने दीजिए और इस केमिकल की फैक्ट्री से थोड़ा छुटकारा मिलिए। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँ, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए। जो मेरे यहाँ से भी पता चली है, एक दो जगह और जाइए और पता करिए उसको, और जब विश्वास हो जाए तब किसी चीज़ को अपनाइए। ये नहीं है कि मेरा फार्म देख लिया, पता नहीं मैं इसमें क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, शायद पूरी बात ना बताइए। तो हर चीज़ का आप थोड़ा प्रमाण भी लीजिए और देखिए और करिए, और जब आपको इस तरह की बातें करेंगे आप, तो ये एक वैज्ञानिक तरीका होता है, तो आप हमेशा सफल होंगे। और मेरी यही कामना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी किसान भाई मेरे पास आते हैं। तो आज मेरे को विचार आया कि मैं ये वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। धन्यवाद। नमस्कार।